राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा के द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं एसडीएम कार्यालय घेराव किया गया, जिसमें वर्तमान विधायक कुंवर जी कोठार के नेतृत्व में धरना आंदोलन किया गया, जिसमें किसानों के साथ हुई जाति को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सोयाबीन की खराब हुई फसल का सर्वे कराकर सही मुआवजा देना एवं किसानों के साथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्ज माफी का वादा किया था उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। उसमें समस्त किसानों की कर्ज माफी का कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा उच्च वचन दिया गया था, लेकिन वहां भी अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया एवं गायों को लेकर जो कांग्रेस गवर्नमेंट ग्राम पंचायत में गौशाला बनवाने का वचन दिया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसे आए दिन रोज सैकड़ों की तादाद में रोड पर गायें मर रही है, इसको लेकर वर्तमान विधायक कुंवर जी कोटा के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन एवं कांग्रेस के खिलाफ किसान आंदोलन किया गया। यह आंदोलन भाजपा कार्यालय सारंगपुर से प्रारंभ होकर एसडीएम कार्यालय पैदल जाकर संपन्न हुआ, जिसमें एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया एवं समस्त मांगों को जल्द पूरा करने की बात की गई। वही किसानों की सारी मांगे पूरी नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी। इस अवसर पर सारंगपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक कुंवर जी कोठार, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र छावरी मनोहर सिंह, पूर्व सरपंच राधेश्याम राजपूत, किसान मोर्चा मंडल मंत्री पचोर सहित राजपूत युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष पचोर राजेश नागर छतर सिंह राजपूत एवं समस्त किसान जन मौजूद थे। राजगढ़ ब्यूरो, रोहित राजपूत की रिपोर्ट।